सो so, क्या करना है अगेन uh, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे लेट्स एज्यूम ये एम वन है ये एम टू है राइट right? यहाँ पे जो पुली है इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इसका रेडियस भी दे रखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम राइट यहाँ पे हम टेंशन एज्यूम करेंगे टी वन यहाँ पे टी टू बिकॉज पुली इज नॉट मासलेस देन ये एंगल लेट्स से थीटा है देन फ्री बॉडी डाइग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन इक्वेशंस लिखते हैं राइट right? इस तरह से ये हमारे पास एम वन है नाउ इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज इसका वेट उसके कंपोनेंट ले लो एम वन जी का कॉज थीटा और यहाँ पर आएगा एन वन आगे है टेंशन और पीछे है एम वन इन जी इन साइन थीटा राइट और इसका एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज़ ए सो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे दैट इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन राइट टू अपोज द रिलेटिव मोशन और कितना लगेगा लिमिटिंग लगेगा क्यों बिकॉज रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है एन इंटू म्यू सो एन वन का वैल्यू कितना होगा एम वन जी कॉस थीटा इंटू म्यू सो एन वन जी कॉस थीटा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू इतना फोर्स पीछे भी लग जाएगा यहाँ पे हमारे पास पुली है इसमें इस तरह से यहाँ पे टी वन था और यहाँ पर टी टू था और ये एक्जेलेट कर रहा है एंगुलर एक्जेलरेशन दैट इज़ अल्फ़ा इन क्लाक वाइज डायरेक्शन राइट और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एम टू है इसमें फोर्सेस की बात करें सो so, इस तरह से एम टू जी का कॉज थीटा और यहाँ पर था नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से एम टू और यहाँ पे एम टू जी का साइन थीटा और पीछे यहाँ पे था टी टू राइट और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन एम टू एंड द इनकलाइन सरफेस सो इस तरह से हमारे पास ये अल्फ़ा है और ये जो एम टू है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है ना uh, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें सो so अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल है अल्फ़ा वेरिएबल है राइट right? एंड uh, T1 वन एंड टी अगेन फोर वेरिएबल्स और फोर इक्वेशंस हम इजीली लिख सकते हैं जैसे हमने इसके प्रीवियस पार्ट में लिखा था किस तरह से uh, यहाँ से F इज इक्वल टू एम ए राइट दैट इज़ T1 वन माइनस एम वन जी साइन थीटा माइनस एम वन जी म्यू इंटू कॉस थीटा दैट इज़ एम वन इंटू ए यहाँ पे क्या लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा इट मीन्स नेट टॉर्क इन clockwise direction that is t2 minus t1 into r that is your i into alpha or hoga f is equal to ma means uh, net force in uh, downward direction in the direction of acceleration right m2g sine theta minus t2 that is your m2 into a and fourth equation will be relationship between a and alpha uh, linear acceleration will be r into alpha फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड दिस पुली राइट जैसे हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था सो so, आप देखो फोर इक्वेशन है और फोर वेरिएबल्स भी हैं सो so, हमें क्या चाहिए एक्जलरेशन का वैल्यू सो so, पहले तो अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से अल्फा विल बी सिम्पली ए अपॉन आर सो अल्फ़ा कहाँ है इस इक्वेशन में अल्फा है सो so, अल्फ़ा को आप मीन्स uh, रिप्लेस uh, uh, कर दो बाई ए बाय आर सो टी टू माइनस टी वन दैट विल बी सिम्पली आई इन टू ए बाई आर और यहाँ से एक आर और नीचे जाएगा सो आर स्क्वायर राइट right? नाउ अगर मैं ये दो इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ देन T2 खत्म हो जाएगा T2 टू एलिमिनेट हो जाएगा राइट right? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो सो इट विल बी एम टू जी साइन थीटा माइनस टी वन दैट इज एम टू ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर नाउ टी वन सो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें देन टी वन भी खत्म हो जाएगा टी वन एलिमिनेट हो जाएगा राइट right? सो आप देखो क्या आएगा एम टू जी साइन थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा माइनस एम वन जी म्यू इंटू कॉस थीटा दैट इज़ एम वन प्लस एम टू प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए मैंने ए कॉमन ले लिया राइट हेड साइड में से राइट सो एक्सेलरेशन का वैल्यू यू कैन फाइंड आउट नाउ दैट विल बी सिंपली एम लेट्स टेक जी कॉमन जी इंटू साइन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं सो so यहाँ पे देखो क्या आ रहा है एम टू माइनस एम वन और यहाँ से देखो माइनस एम वन इंटू जी इंटू म्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर राइट सो इस तरह से नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ़ एम वन एम टू म्यू का वैल्यू ज़ीरो पॉइंट फाइव थीटा का वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री आई का वैल्यू दिया है आर का वैल्यू भी दिया है राइट right? इस तरह से सारी वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड है ना ज़्यादा लाइक मोर और लेस इसका जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था वैसे ही था सो लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर किंग एट बेस्ट ऑफ लफ है